नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। बीकानेर से खबर लेते हैं। पुलिस को बड़ी सफलता यहां मिली है। इंटरनेशनल गिरोह को दबोचा गया है। 3 विदेशी नागरिकों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वीजा खत्म होने के बावजूद 6 महीने से ये देश में रह रहे थे। आरोपियों के पास से ड्रग और 10 लाख की विदेशी करेंसी भी जब्त हुई है। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। तीनों ईरान के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये विदेशी नागरिक। एसपी योगेश यादव के नेतृत्व में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी दी है। कहा कि लूट नहीं, ये एक चीटिंग का मामला है। मल्टीपल वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। पुरानी करेंसी के नोट और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। अन्य एजेंसियां भी अब इनसे पूछताछ करेंगे। एसपी सिटी अमित कुमार के निर्देशन में ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है। रौनक हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। रौनक, किस तरीके से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या चीजें अब तक इनसे बरामद हुई हैं, किस तरीके की आगे की कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है बीकानेर पुलिस के हाथ लगी। और इंटरनेशनल गिरोह है, पिछले लंबे अरसे से देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो है अलग अलग वारदातों को अंजाम देते हुए आ रहे थे और पुलिस की पैनी नजर जो है इस गिरोह पर बनी हुई थी। आज पुलिस ने, बीकानेर पुलिस की आप देखिए कि 5 अलग अलग थानों की टीमों ने लगातार सक्रियता दिखाते हुए इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। 3 विदेशी जो ईरान के रहने वाले हैं उनको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनसे 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त की गई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, वीजा भी इनका एक्सपायर हो गया था, एक होटल के अंदर ये रह रहे थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसियां भी अब इनसे पूछताछ करेगी कि किस तरह से इंटरनेशनल जो कनेक्शन है इनका, विदेशी करेंसी इनके पास कहां से आई और अब इंडिया में रहकर ये किस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे थे, तो पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ बीकानेर के एसपी है योगेश यादव, उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मामले का खुलासा किया है। एएसपी अमित कुमार बुडानिया जो है वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है तो ये कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुलेगी और 3 ईरानी जो विदेशी है उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश जो है बीकानेर पुलिस ने किया है। जी रौनक, किस तरीके की वारदातों को ये अंजाम देते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज क्लियर की गई है कि लूटपाट नहीं करते थे, ये कुछ दूसरे तरीके से जो है लोगों से ठगी करते थे। अब ऐसे में क्या इसमें कुछ अन्य एजेंसीज भी इनसे पूछताछ करेंगी तो किस तरीके की पूछताछ इनसे हो सकती है? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल मामला, ऐसे में आप देखिए कि जो लेन देन की बात करें, चीटिंग की बात करें, लोगों को विदेश भेजने की बात करें, पैसों के लेन देन की बात हो, साथ ही साथ आप देखिए कि जो हवाला का काम हो, इस तरह की जो चीटिंग से रिलेटेड काम है, उस तरह के मामले बहुत ज्यादा इनके द्वारा किए गए हैं, जिस तरह की पुलिस ने जानकारी दी। हालांकि देखिए अब चूंकि परतें धीरे धीरे और खुलेगी बहुत सारे मामलों को लेकर, चूंकि नापासद पुलिस ने सबसे पहले इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद आप देखिए कि बाकी थानेदारों की टीम जो है वो भी इन तमाम लोगों के पीछे लगी हुई थी, तो होटल में जहां ये पिछले 6 महीने से रह रहे थे, घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, ठीक है, पुलिस नजर बनाए हुए थी। आज डीएसपी, ठीक है, नजर आप भी बनाकर रखिए रौनक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि ये जो विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जो विदाउट वीजा रह रहे थे, इनसे किस तरीके की पूछताछ हुई, कैसी कार्रवाई इनके ऊपर यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रौनक, तमाम अपडेट्स के लिए।